सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कर्मचारियों पर फर्जी पासबुक तैयार कर महिला के खाते से 1,15,000 रुपए निकालने का आरोप। केशर बोली, मेरी नौकरी चली जाएगी। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक को महिला ने शिकायत करते हुए बताया कि उसका खाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है। बैंक कर्मचारियों ने फर्जी पासबुक तैयार कर उसके खाते से 1,15,000 रुपए निकाल लिए हैं। इसकी शिकायत पर आज एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। जानकारी के अनुसार कुसुम धाकड़ पत्नी अमर सिंह धाकड़ निवासी शिवपुरी ने बताया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में उसका खाता है। उक्त खाते में 2,16,000 रुपए जमा थे, जिनमें से बैंक कर्मचारियों ने किसी अज्ञात महिला को 19 जून 2024 को 50,000, 21 जून 2024 को 50,000 एवं 26 जून 2024 को 15,000 का भुगतान अज्ञात महिला को कर दिया। जो महिला 19 जुलाई 2024 को बैंक पहुंची तो उसने अपने खाते का बैलेंस चेक किया। जो महिला ने बैंक में कहा कि 1,15,000 की राशि निकली, उन दिनों मैं बैंक में नहीं आई हूं। जिस दिन ये पैसे निकाले गए उन दिनों हमारे घर पर धार्मिक कार्यक्रम था। महिला ने कहा कि अगर सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाए तो पता चलेगा कि किस महिला को ये भुगतान किया गया है। महिला ने बताया कि कुछ दिन पहले पैसे लौटाने की बैंक कर्मचारी ने सहमति दे दी थी, लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। वहीं केशव महिला ने कहा कि मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं तुम्हारे पैसे की व्यवस्था करवा दूंगी। महिला ने बताया कि बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से भुगतान किसी अज्ञात महिला को किया गया है, जबकि जिस महिला को भुगतान किया है उसके हाथ में नीले रंग की पासबुक थी, जबकि मेरे पास दूसरे रंग की है। जब मैंने बैंक में एंट्री करने को बोला तो बैंक ने मशीन खराब का बहाना बनाकर मेरी पासबुक में एंट्री नहीं की। पूरी धोखाधड़ी बैंक प्रबंधन ने की है। इसी तरह सेंट्रल बैंक ने ग्राम हमारोरा निवासी एक महिला रामवती परिहार के खाते से 2021 में पैसों का फर्जी तरीके से आहरण करवा दिया था। इसके बाद बैंक प्रबंधन ने महिला को पैसे लौटाकर मामले को रफा दफा कर दिया था। इस तरह ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर पैसों का आहरण किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? कुसुम धाकड़। कहाँ से आए हो? जय श्री फ्री शांतिनगर कॉलोनी। आज एसपी साहब के पास आवेदन देने आए थे, किस संबंध में आवेदन देने आए? सेंट्रल बैंक से मेरे पैसे निकल गए। कितने पैसे? 1,15,000। कैसे निकले? हमें 3 बार में निकले हैं, 1 19 तारीख को, 1 21 तारीख को, 1 26 तारीख को। किसने निकाले? कोई लेडीज है। मतलब फ्रॉड तरीके से निकले हैं? हाँ, फ्रॉड तरीके से निकले हैं। कोई वही बैंक वालों की मिली भगत है कोई। अच्छा, आपको पता नहीं आपके पैसे निकल गए? मेरे पता नहीं है। फिर आपने बैंक वालों से शिकायत की तो उन्होंने कुछ कहा? उनने उस दिन तो कह दिया कि आपके पैसे वापस आ जाएंगे, आप चिंता ना करो। और अब जो कार्रवाई करी तो उनने तो ऊपर हाथ कर दिए। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं अब हमें पता नहीं है आपके पैसे कैसे निकले हैं, क्या निकला है। वो आपने भी एक आरोप लगाया कि उनकी मिली भगत थी, तो क्या मैटर है? 3 बार अलग अलग काउंटर से निकले हैं कि 1 बार 50 निकले, फिर 1 बार 50 निकले, फिर आखिरी बार में 15 निकले। हाँ, क्या लगता है आपको कितने निकाले हैं? अब उन्हीं की मिली भगत होगी, वो दूसरी लेडीज कहाँ से आ गई, मैं तो आई नहीं है। क्या चाहते हो? मेरे पैसे वापस आती हूँ मैं तो। एसपी साहब ने क्या सुन दिया? कौन एसपी साहब ने क्या सुन दिया? उनने बोला कि कार्रवाई करेंगे।